नमस्कार दोस्तों, आप सबका NAS लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं RLC की जो आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, आप ये ज़रूर सोचोगे कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ RLC पहले कवर करा चुके हैं सर, लेकिन यहाँ पे क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी इंटेंशन समझाना चाहता हूँ कि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स समझाने का है, और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के लिए जो भी बेसिक से बेसिक नॉलेज होगी पहले मैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा ताकि आपको ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बहुत ही आसानी से समझ आ सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ RLC, तो रजिस्टेंस है दोस्तों। रजिस्टेंस हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओम्स लॉ को ओबे करता है दोस्तों। वी आर, ये दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है इस रजिस्टर्स के अक्रॉस। आई करंट यहाँ फ्लो करता है, जहाँ करंट एंट्री करता है वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, जहाँ एग्जिट करता है वहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आती है। तो वी आर जो होगा दोस्तों वो आई इंटू आर होगा। रजिस्टेंस की जो एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ है क्या है कि रजिस्टेंस अपने अंदर से सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एज वेल एज सडन चेंज ऑफ करंट्स को अलाउ कर देता है। यानी जो सडन चेंज है ये यहाँ दोस्तों कीवर्ड है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एंड सडन चेंज ऑफ करंट किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू हो सकता है। इसका मतलब, सडन चेंज का मतलब ये है दोस्तों कि अगर एक रेजिस्टेंस में 1 सेकेंड्स पे 1 एम्पियर का करंट है, और अगर किसी वजह से जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज हो गई और वो इतनी सडन हो गई कि 1.0001 सेकेंड्स पे उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो गई, तो वो रेजिस्टेंस उस चेंज हुई करंट की वैल्यूज को अपने अंदर से पास होने के लिए परमिट कर देता है। यानी रेजिस्टेंस हमेशा सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एंड सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ करता है। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की। दूसरा दोस्तों, बात करते हैं इंडक्टेंस की। ये इंडक्टेंस इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई इसका एक इनपुट करंट है, जहाँ करंट एंट्री लेगा पॉजिटिव पोलैरिटी, जहाँ से बाहर निकलेगा नेगेटिव पोलैरिटी। वी एल ये वोल्टेज है अक्रॉस दिस इंडक्टर, तो इंडक्टर भी दोस्तों ओम्स लॉ को ओबे करता है, जो लिखते हैं वी एल इज इक्वल टू LdIdt, राइट। अगर मैं कहूँ कि इंडक्टर भी सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ करता है, तो सडन चेंज ऑफ करंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो DI वैल्यूज़ है वो आपकी नॉन जीरो होगी क्योंकि सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ किया है, लेकिन DT की वैल्यू क्या होगी, यानी इतना कम टाइम जिसको मैं ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 0 सेकेंड्स मान सकूं, यानी इतना जल्दी चेंज हुआ है करंट, तो DT टेंस टू जीरो। जब आप ओम्स लॉ में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो दोस्तों VL दैट इज़ इक्वल टू LdIdt, DT को आप जीरो पुट करें तो वैल्यू मिलेगी आपको इन्फिनिटी, यानी वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर यहाँ पे इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब जो इंडक्टर पैसिव एलिमेंट हुआ करता था वो अब एक्टिव एलिमेंट बन चुका है और वो इन्फिनिटी वोल्टेज सोर्स बन चुका है। ये दोस्तों कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंडक्टेंस या जो इंडक्टर है वो सडन चेंज ऑफ करंट को कभी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वी एल आपका इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट जो इंडक्टर है दोस्तों वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ कर सकता है, राइट। तो ये भी इंडक्टर की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। अब दोस्तों बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस, ये आपका एक कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, बीच में कुछ ना कुछ आइसोलेटेड मीडियम्स है। ये आपका IC करंट यहाँ से फ्लो करेगा, जहाँ पे करंट एंट्री करेगा पॉजिटिव टर्मिनल, जहाँ से एग्जिट करेगा नेगेटिव टर्मिनल, और VC दोस्तों वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर ओम्स लॉ को ओबे करता है, लीनियर और एक पैसिव एलिमेंट है, तो इसकी ओम्स लॉ इक्वेशन बनेगी ये IC इज इक्वल टू CdVC डिवाइड बाई DT। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा जो कैपेसिटर है वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ करता है, इसका मतलब क्या होगा, आप DT को टेंस टू जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि सडन चेंज का मतलब इतना छोटा टाइम जो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 सेकेंड हो सके, यानी 1 सेकेंड, उसके बाद 1.0001 सेकेंड्स, ये सडन चेंज की मैं बात करता हूँ। तो ऑलमोस्ट जितना टाइम में चेंज है
उसको मैं टेंस टू जीरो बना सकता हूँ। और अगर कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अलाउ करेगा तो दोस्तों डीवी आपकी डेफिनेटली नॉन जीरो होगी, क्योंकि उसने अलाउ किया है। अगर इस कंडीशंस को अलाउ करेगा तो आप इस इक्वेशंस में डीटी को जब जीरो पुट करेंगे तो आपका जो करंट बनेगा दैट इज़ पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी। तो इसका मतलब जो कैपेसिटर आपका पैसिव एलिमेंट था अब वही कैपेसिटर आपका एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बन चुका है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है इट मीन्स जो कैपेसिटर है आपका वो आपका कभी भी डज नॉट अलाउ अ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। लेकिन दोस्तों ये ध्यान में हमेशा रखना कि कैपेसिटर आपका सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ जरूर कर सकता है लेकिन सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर इस पूरे नोट्स को मैं ब्रीफ करूं तो जो रेजिस्टेंस है वो एक ऐसी डिवाइस है जो एक ऐसा एलिमेंट है जो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज और सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ करता है। इंडक्टर दोस्तों सडन चेंज ऑफ करंट को कभी अलाउ नहीं करता बट सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ कर सकता है। सिमिलरली दोस्तों कैपेसिटेंस ये आपका सडन चेंज ऑफ करंट तो अलाउ कर सकता है बट सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ कभी नहीं करता है। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स समझने में बहुत हेल्प करेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स की। ये मैंने तीन केसेस लिए हैं, केस वन, केस टू और केस थ्री। आप ये देखो दोस्तों ये कोई भी किसी भी नेटवर्क्स की ब्रांचेज हो सकती हैं और ये आपका पूरा स्विच है। ये टी इक्वल टू जीरो टाइम की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो स्विच है इसकी डायरेक्शन क्या है दोस्तों, इसकी डायरेक्शन है यहाँ से होता हुआ नीचे आ रहा है, यानी पहले स्विच कुछ ऐसा है और इसके बाद स्विच धीरे धीरे ऐसे हो रहा है। तो अगर ऐसा स्विच आपको गिवन है और टी जीरो नेगेटिव, यानी इसका मतलब है दोस्तों कि आपका जो स्विच है वो स्विच अभी आपका ऑफ स्विच है, राइट। और टी इक्वल टू जीरो टाइम की अगर मैं बात करूं तो स्विच इज अबाउट टू क्लोज, यानी स्विच अभी क्लोज हुआ नहीं है बट क्लोज होने वाला है। डायरेक्शन है यहाँ से धीरे 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 इस टर्मिनल पे जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे अबाउट टू क्लोज। जब दोस्तों मैं कहूँ कि टी इक्वल टू जीरो प्लस, यानी ये वो टाइम है जब आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट हो चुका है एक स्विच के थ्रू, तो अब यहाँ पे जो आपका स्विच होगा वो स्विच आपका क्लोज होगा, राइट। तो दूसरी सर्किटरी कुछ ऐसी दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए ये और ये जो दो पॉइंट हैं ये पॉइंट अभी कनेक्ट नहीं है लेकिन इसकी जो स्विच की डायरेक्शन है वो इस टाइप की डायरेक्शन है, यानी डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो जब मैं टी नेगेटिव की अगर बात करूँ तो इसका मतलब अभी क्या है, स्विच मेरा कनेक्ट नहीं हुआ है तो मेरा जो स्विच की कंडीशन है वो ऑफ कंडीशन है। अगर टी इक्वल टू मैं जीरो टाइम की बात करूँ तो स्विच क्या है, अभी ऑन नहीं हुआ है बट अबाउट टू ऑन है, अबाउट टू क्लोज और यू कैन से ऑन। लेकिन दोस्तों जब मैं टी इक्वल टू जीरो पॉजिटिव टाइम की बात करूंगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इस स्विच की हेल्प से क्लोज हो चुके होंगे, तो अब आप क्या कहोगे कि आपका जो स्विच है वो क्लोज हो चुका है। थर्ड केस ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आपका कुछ सर्किट ऐसा है कि ओरिजिनली ये दो पॉइंट कॉमन पॉइंट्स थे एक स्विच की हेल्प से लेकिन अब स्विच की डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी धीरे धीरे जो आपका स्विच है वो यहाँ से इस पॉइंट से दूर होता चला जाएगा, यानी टी इक्वल टू जीरो नेगेटिव पे आपके स्विच का जो पोजीशंस है वो आपका क्लोज है। टी इक्वल टू जीरो वो टाइम है कि आपका स्विच क्लोज से ऑफ होना चाहता है, यानी ओपन होना चाहता है, ये वो टाइम है। और टी इक्वल टू जीरो पॉजिटिव कौन सा टाइम होगा दोस्तों, कि आपका स्विच ऑलरेडी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा चुका है, ये जो आपका सर्किट है ये आपका ओपन सर्किट बन चुका है और स्विच आपका ऑफ हो चुका है, क्लोज को आप स्विच ऑन भी बोल सकते हो। तो ये कुछ ऐसे स्विचिंग कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन समझने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अब दोस्तों जो हमने आरएलसी सर्किट स्टडी किया है उन्हीं सभी सर्किट आरएलसी को हम सर्किट डायग्राम्स की हेल्प से समझना चाहते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई वोल्टेज सोर्स है
और ये आपका t इक्वल टू जीरो पे कुछ ऐसी स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशंस है जो अभी हमने स्टडी की है। तो इसका मतलब t जीरो नेगेटिव का मतलब है कि स्विच आपका अभी क्लोज नहीं है, अभी t इक्वल टू जीरो नेगेटिव पे आपका स्विच आपका ऑफ है। t इक्वल टू जीरो पे स्विच इज अबाउट टू क्लोज और ऑन, लेकिन अभी भी ऑन नहीं हुआ है, और t इक्वल टू जीरो पॉजिटिव टाइम पे दोस्तों आपका स्विच ऑन हो चुका है। तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर मैं कहूँ कि मेरा जो करंट है वो जीरो माइनस टाइम पे क्या होगा, जीरो माइनस टाइम पे स्विच आपका ऑफ है तो करंट आपका जीरो होगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि करंट आपका जीरो सेकेंड्स पे क्या होगा, जीरो सेकेंड्स पे भी अबाउट टू क्लोज है स्विच लेकिन अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, तो फिर भी मैं कहूँगा आपका करंट जीरो है। फिर दोस्तों अगर कोई पूछे आपसे कि जो करंट है वो जीरो प्लस टाइमिंग्स पे क्या है, जीरो प्लस का मतलब है कि स्विच अब आपका क्लोज हो चुका है और जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो करंट की वैल्यू V डिवाइडेड बाई R होगी, तो V डिवाइडेड बाई R होगी। अब ये देखो दोस्तों, जीरो और जीरो प्लस टाइम इतना कम टाइम है कि सडन चेंज ऑफ करंट इस रेजिस्टेंस ने अलाउ किया है, यही प्रॉपर्टीज हमने लेक्चर्स के फर्स्ट नोट्स में स्टडी की थी। अब दोस्तों वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज कोई पूछे कि जीरो नेगेटिव पे इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है, जब करंट ही जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो होगा, क्योंकि वोल्टेज क्या है आपका करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब जीरो टाइम पे भी वोल्टेज क्या है आपकी, जीरो रहेगी। सिमिलरली जीरो प्लस टाइम पे आपकी वोल्टेज क्या होगी, जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा मल्टीप्लाई विद रेजिस्टेंस, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस। आपने यहाँ देखा कि रेजिस्टेंस आपका जीरो टाइम पे तो जीरो वोल्ट पोटेंशियल देता है, लेकिन जीरो प्लस टाइम पे आपका पोटेंशियल आई इंटू आर और दैट इज़ वी हो जाता है। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस ने इस डायग्राम में ये शो किया कि रेजिस्टेंस आपका सडन चेंज ऑफ करंट भी अलाउ करता है और सडन चेंज ऑफ वोल्टेज भी अलाउ करता है। दूसरा लेते हैं दोस्तों इंडक्टर्स का। इंडक्टर्स के जीरो नेगेटिव टाइम पे ये स्विच आपका ऑफ है तो करंट डेफिनेटली जीरो होगा। जीरो टाइम पे भी करंट आपका जीरो होगा क्योंकि स्विच इज अबाउट टू क्लोज है लेकिन क्लोज अभी नहीं हुआ है। और जब भी मैं बात करूं कि जीरो प्लस टाइम पे क्या होगा, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जीरो प्लस पे आपका स्विच क्लोज हो चुका है लेकिन इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो सडन चेंज ऑफ करंट को कभी अलाउ नहीं करता, तो जीरो प्लस पे भी इंडक्टर आपका जीरो एम्पीयर्स की रीडिंग देगा। यानी इंडक्टर एक वोल्टेज सोर्स के कनेक्ट होते हुए भी आपको जीरो एम्पीयर का करंट देगा, यही इंडक्टर की प्रॉपर्टी, काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वोल्टेज की। जीरो नेगेटिव पे वोल्टेज जीरो है, जीरो सेकेंड्स पे वोल्टेज फिर जीरो रहेगी, बट दोस्तों जीरो पॉजिटिव पे वोल्टेज क्या होगी, जीरो पॉजिटिव पे यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। जब दोस्तों यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये एक ओपन सर्किट्स की तरह एक्ट करेगा, और ओपन सर्किट अगर यहाँ होगा तो इसके अक्रॉस यही पोटेंशियल होगा जो आपका सोर्स पोटेंशियल है यानी V। तो इस केस में आपने देखा कि जीरो सेकेंड्स पे जीरो वोल्ट है और जीरो प्लस सेकेंड्स पे V वोल्ट है, यानी इंडक्टर आपका सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को तो अलाउ करेगा बट सडन चेंज ऑफ करंट को कभी अलाउ नहीं करता है। सिमिलरली दोस्तों अब बात करते हैं कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर्स के केस में जीरो नेगेटिव पे जीरो पोटेंशियल है, जीरो पे फिर से जीरो पोटेंशियल रहेगा, बट जीरो प्लस का मतलब क्या है, जीरो प्लस का मतलब है कि ये स्विच अब ऑन हो चुका है और आपका वोल्टेज सोर्स इस कैपेसिटर्स के अक्रॉस कनेक्ट हो चुका है, फिर भी इस कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज जीरो रहेगी क्योंकि कैपेसिटर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ है कि सडन चेंज ऑफ वोल्टेज कैपेसिटर्स कभी अलाउ नहीं करेगा। यानी जीरो सेकेंड्स पे जीरो वोल्ट है तो जीरो प्लस सेकेंड्स पे भी जीरो वोल्ट ही रहेगा इवन इफ सोर्स इज कनेक्टेड। अब दोस्तों करंट की मैं बात करूं कि आई जीरो पे आपका करंट जीरो है क्योंकि सोर्स कनेक्ट नहीं है, जीरो सेकेंड्स पे भी सोर्स कनेक्ट नहीं है बट कनेक्ट होने वाला है, आई मीन स्विच इज अबाउट टू क्लोज ऑन दिस टाइम, और जीरो प्लस पे आपका स्विच क्लोज हो चुका है। उस केस में यहाँ पे जो पोटेंशियल है आपका जीरो प्लस पे वो जीरो है, इसका मतलब कैपेसिटर आपका एक शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है और एक शॉर्ट सर्किट्स में दोस्तों मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ देखा आपने जीरो सेकेंड्स पे करंट आपका जीरो बट जीरो प्लस सेकेंड्स पे करंट आपका मैक्सिमम, यानी कैपेसिटर्स ने
सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ किया है बट सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं किया है। सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आरएलसी सर्किट्स। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के बेसिस पे ही हम आगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।